स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। आज मैं फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए आप सभी के बीच में आया हुआ हूँ। आज का जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए होने वाला है कि बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे, अलग अलग डी फार्मासिस्ट जो जिन्होंने डिप्लोमा फार्मेसी कर लिया उन फार्मासिस्टों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर अगर यूपीएसएससी जो पेट का एग्जाम करा रही है उसके लिए अगर मैंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो क्या जो वैकेंसी आने वाली है डी फार्मा की, जो डी फार्मासिस्टों की जो वैकेंसी आने वाली है, क्या मैं उसके लिए एप्लीकेबल हूँ, क्या मैं उसको दे सकता हूँ, या मैं उस फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आ रही है अगर पेट का एग्जाम मैंने उसके लिए आवेदन नहीं किया है तो क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। ये सारी चीजें कंफ्यूजन थी, बहुत सारे लोग को पेट का जो भी सिलेबस है या जो भी चीजें पेट के थ्रू पेट जो करा रहा है या यूपीएसएससी जो पेट एग्जाम करा रहा है उसके बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि नहीं ये कैसे होगा, अगर मैंने नहीं भरा तो मैं बहुत सारे जो एग्जाम है वो नहीं दे पाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन है, तो इन्हीं सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज की वीडियो जो है आप सभी के लिए लेकर के आया हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज जितनी भी कंफ्यूजन है क्लियर होने वाली है, जो 4000 जो फार्मासिस्टों की जो वैकेंसी आने वाली है उसके ऊपर जो भी कंफ्यूजन है, बहुत सारे भ्रम हो गए हैं, बहुत सारे लोग बार बार सवाल पूछ रहे हैं भर्ती आएगी नहीं, भर्ती आ रही है, इतने दिनों से सुना जा रहा है ये सारी चीजें कि भर्ती कब आएगी, तो इसकी एग्जैक्ट डेट क्या है, कब तक ये वैकेंसी आएगी और क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कैसे इसकी प्रोसेस हो रही है, क्यों इसमें देरी हो रही है, और यूपीएसएससी जो एग्जाम पेट का एग्जाम करा रही है क्या इसमें जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको पास होना इसमें जरूरी है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं UPSSE का जो पेट एग्जाम हो रहा है 2021 का, मतलब कि 2021 का जो एग्जाम हो रहा है पेट का उसके बारे में बात कर लूं, तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो यूपीएसएससी की जो पेट की जो एग्जाम है इसको कराने का जो सख्त आदेश है वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा है, क्योंकि इसमें जो भी पेट का जो एग्जाम है इसी पर्पज से कराया जा रहा है कि किसी भी वैकेंसी में ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, ज्यादा जो लोग जो इसके योग्य नहीं है वो इसमें अप्लाई ना करें, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी ऐसी है कि रिक्तियां कम होती हैं और कैंडिडेट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इस चीज को कम करने के लिए यूपीएसएससी ने अलग से पेट एग्जाम को कराया, मतलब कि यूपीएसएससी की जितनी भी भर्तियां होंगी, यूपीएसएससी के थ्रू जितनी भी भर्तियां होंगी वो पेट एग्जाम क्लियर जिन्होंने किया है वही उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आप सभी को पता होगा पेट एग्जाम के लिए जो भी एप्लीकेशन आया हुआ था वो मई से ही स्टार्ट था और लास्ट जून तक उसमें जो भी सुधार वगैरह होने थे वो हो चुके हैं और इसके जो एग्जाम की डेट है वो भी अनाउंस हो चुकी है। तो पेट के एग्जाम की जो एग्जैक्ट डेट है वो 20 अगस्त है, तो 20 अगस्त को आपके जो पेट की एग्जाम है वो होने वाली है, वो होने वाला है। तो पेट का एग्जाम 20 अगस्त को निर्धारित है और ये दो पालियों में होगा। इसके सिलेबस को भी मैं बताऊंगा, तो सिलेबस बताने से पहले इस पे डिस्कशन कर लेते हैं उस कंफ्यूजन के बारे में जो लोगों ने फैला रखी है, जो बहुत सारे स्टूडेंट अपने में बात करके इस चीज को बहुत ज्यादा हवा बना दिए हैं कि नहीं पेट एग्जाम क्लियर करना जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं करेंगे तो अब नौकरी नहीं मिलेगी, ये सारी चीजें हैं। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बस बता दूं कि जो यूपीएसएससी के थ्रू जो एग्जाम जो भी एप्लीकेशन आएंगी, जो भी वैकेंसी आएगी उसी में पेट जरूरी है, वो भी हर डिपार्टमेंट के लिए नहीं जरूरी है, ये बस ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए ही जरूरी है। अगर ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी आती है उसमें भी कंडीशन है कि कौन सी वैकेंसी कहाँ से आ रही है, यूपीएसएससी के थ्रू आ रही है कि नहीं आ रही है, ये चीजें उस पे ज्यादा मायने रखती है। तो मतलब आपके दिमाग में ये चीज हो जानी चाहिए कि जो भी ग्रुप है, ग्रुप सी की जो वैकेंसी आ रही है और ग्रुप डी की जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लियर करना, पेट एग्जाम क्लियर करना।
तो ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम जो वैकेंसी आएगी, ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो वैकेंसी आएगी उसके लिए अगर आपको एप्लीकेशन देना है, आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको पेट क्लियर करना ही होगा। अब बात कर लेते हैं उनके बारे में जिन्होंने पेट एग्जाम के लिए एप्लीकेशन किया ही नहीं है, उनका क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में पड़े हुए हैं। फार्मासिस्टों की जो वैकेंसी पे जो वीडियो बनी हुई थी उसमें कमेंट्स बहुत सारे ऐसे पड़े हुए हैं जिनके कंफ्यूजन ये है कि सर अगर मैंने पेट अप्लाई नहीं किया है तो मेरा क्या होगा, अगर वैकेंसी आ जाती है तो मैं क्या करूंगा, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये ध्यान देना है कि जो डी फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आ रही है, जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आ रही है, बी फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आ रही है, जो भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आ रही है वो यूपीएसएससी के थ्रू आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं अगर वैकेंसी जो है यूपीएसएससी के थ्रू आ रही है तो उसमें पेट क्लियर करना जरूरी है। और अगर आप एप्लीकेशन नहीं कर पाए हो, आपने अप्लाई नहीं किया, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया एग्जामिनेशन के लिए, पेट एग्जामिनेशन के लिए, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसके रूल कुछ इस तरह से हैं। अगर आपने एग्जाम फॉर्म अगर फिलअप नहीं किया है, अप्लाई नहीं किया है, तो ये साल में एक बार ये एग्जाम होगा। मतलब अगर आपने इस सेशन में अप्लाई नहीं किया है तो 2022 में ये एग्जाम जो एप्लीकेशन है फिर से आएगा, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है, मतलब जो पेट का एग्जाम है वो साल में एक बार आएगा, मतलब एक साल में एक बार ये एग्जाम कराया जाएगा, और जो लोग पास कर लेते हैं वो एक साल के लिए ही वैलिड है, 1 ईयर के लिए ही वैलिड है। अगर पेट का एग्जाम आपने फिलअप कर दिया है, तो पेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भर दिया एग्जाम देने वाले हो, तो ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ये जो एग्जाम है हर साल होगा, और पास करने के बाद से आपकी जो वैलिडिटी है इस एग्जाम को पास करने के बाद से वो एक साल की, ऐसा नहीं कि आपने पास कर लिया तो लाइफ टाइम के लिए हो गया। आप यूपीएसएससी के थ्रू जो भी वैकेंसी आएगी उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, तो ये जरूरी नहीं है। तो आपको ये एग्जाम साल में एक बार देना है और इसकी वैलिडिटी जो है वो भी एक साल की ही है, ये चीज ध्यान में आपको रखना है। तो आपने जो कमेंट्स किया था उसके अनुसार मैंने जो कंफ्यूजन थी उसको बता दिया कि जो पेट का जो एग्जाम होगा, अगर डी फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आ रही है, डिप्लोमा फार्मेसी या बैचलर फार्मेसी की जो वैकेंसी आ रही है, अगर वो यूपीएसएससी के थ्रू आएगी तो उसमें पेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज और मैं अनाउंसमेंट कर देता हूं, बता देता हूं कि जो वैकेंसी आ रही है फार्मासिस्टों की, जो वैकेंसी आ रही है वो यूपीएसएससी के थ्रू ही आ रही है। तो मैंने बताया कि जो वैकेंसी आ रही है फार्मासिस्ट की, जो वैकेंसी आ रही है वो यूपीएसएससी के थ्रू ही आ रही है, और इसकी पूरी अपडेट मैं आपको जो ही वैकेंसी आएगी वो मैं आपको दे दूंगा। बहुत सारे लोग की ये कमेंट्स है कि सर ये वैकेंसी कब तक आएगी, बस बताया जा रहा है कि वैकेंसी आएगी आएगी, लेकिन कब आएगी ये एग्जैक्ट डेट नहीं बताया जा रहा। तो मैं बता दूं आपको कि डेट, एग्जैक्ट डेट को लेके कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। जैसे ही अनाउंसमेंट होता है तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल से इसकी अपडेट आपको दी जाएगी। तो हमसे जुड़े रहिए, और जो भी चीजें बताई जाती हैं आपको यहाँ पे एकदम सटीक बताई जाएगी, एकदम स्पष्ट बताई जाएगी, कोई भी घेरने घुमाने वाली बात यहाँ पे नहीं होती है। तो मैं बस जो पॉइंट की बात है मैं उसी पे बात कर रहा हूं। अगर आपके दिमाग में अभी भी कंफ्यूजन है तो जो कंफ्यूजन है आप हमसे क्लियर कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपनी कंफ्यूजन लिखिए कि आपको पेट का जो पूरा फंडा है नहीं समझ में आया, तो मैं उस चीज को फिर से जरूर बताऊंगा। तो आपके दिमाग में दो तीन बातें हैं वो आज घुस जानी चाहिए। पहली बात ये कि जो पेट का एग्जाम है वो सबके लिए क्लियर करना नहीं जरूरी है, बस उन वैकेंसियों के लिए जरूरी है जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है उनके लिए जरूरी है, और ऐसा नहीं है कि उसमें भी सारी वैकेंसियां जो आएंगी उसमें पेट आपको मांगेगा, पेट क्लियर करना जरूरी है। दूसरी बात जो है, पेट का जो एग्जाम है वो साल में एक बार कराया जाएगा, और इसकी जो वैलिडिटी है जो पास कर चुके हैं उनकी जो वैलिडिटी है, मतलब जो पेट का एग्जाम है क्लियर करने के बाद से जो वैलिड है वो एक साल के लिए वो वैलिडिटी है, उसकी एक साल की ही वैलिडिटी है, मतलब हर साल आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। और जो तीसरी बात है वो है डिप्लोमा फार्मेसी या बैचलर फार्मेसी की जो वैकेंसी, मतलब फार्मासिस्टों की जो वैकेंसी आ रही है वो यूपीएसएससी ही लेकर के आएगी। तो जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है उनके लिए बस यही है कि अगर वैकेंसी आ जाती है तो फिर आपके लिए अफसोस है, तो अफसोस ना कीजिए, क्योंकि वैकेंसी आती रहती है। अगर लग बाई चांस थोड़ा सा लेट होता है, अगर आप भाग्यशाली हो तो आपको
चांस मिल जाएगा, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो आप वेट कीजिए, अगर ये सेशन बीत जाता है नेक्स्ट सेशन में अगर वैकेंसी आती है तो तब आपको पेट भी अप्लाई करने का चांस मिल जाएगा, आपको अच्छा चांस मिलेगा। तो मैंने जो क्लेरिफिकेशन थी, जो भी कंफ्यूजन थी आपके दिमाग में, वो मैंने दूर करने की कोशिश की है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये आ जाता है कि पेट के एग्जाम, जिन्होंने पेट का एग्जाम अप्लाई कर दिया है उनको कैसे तैयारी करनी है, प्रिपरेशन क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अप्लाई कर दिया, मतलब जिन्होंने अप्लाई कर दिया उन्हें पता ही नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका सिलेबस क्या है और किस तरह की स्ट्रेटजी इस पे बनाई गई है, कैसे इसको पास करना है, ये सारी चीजें। तो मैं उनके लिए भी बता देता हूं, उनके लिए भी जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर देता हूं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूंगा कि जो तो बात करते हैं इसके सिलेबस की और इसमें मार्क की किस अकॉर्डिंग इसमें मार्क मिलेगा, कितने देर की, कितने टाइमिंग का ये एग्जाम है, कितना मार्क आपको पास करना जरूरी है, ये सारी चीजें बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके पाठ्यक्रम की बात करते हैं, इसका सिलेबस क्या है। तो अगर बात करेंगे इसके सिलेबस की, तो इसका जो सिलेबस है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट इन्वॉल्व है, मतलब आपको 8th लेवल का जो भी सब्जेक्ट है, मतलब कि कक्षा 8 तक के जो भी विषय हैं, उसकी अगर आपने प्रिपरेशन की हुई है, वो अगर पूरी अच्छी तरह से आपको तैयार है, तो आप अच्छा मार्क इसमें गेन कर सकते हो, इसको आसानी से पास कर सकते हैं। इसके विषयों की अगर बात करेंगे तो इसमें भारतीय इतिहास है, मतलब कि इंडियन हिस्ट्री के सब्जेक्ट इसमें इन्वॉल्व है, मतलब इतिहास। दूसरे सब्जेक्ट की बात करेंगे तो जियोग्राफी, भूगोल। तीसरे सब्जेक्ट की अगर बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सिंपली आप सिविक्स में जो पढ़ते हो वो 8th स्टैंडर्ड का ही है, जो कि यहां पे आपको पूछा जाएगा। इससे थोड़ी ऊपर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो संविधान से डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे, तो हमारा जो संविधान है उससे क्वेश्चन पूछी जा सकती है, उससे जो प्रश्न है वो बन सकते हैं, उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसी तरह से अगर नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो जनरल साइंस हो जाएगा, जनरल साइंस जिसको सामान्य विज्ञान बोलेंगे, सामान्य विज्ञान के सब्जेक्ट भी इसमें, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन, रीजनिंग है, रीजनिंग हो गया। फिर उसके बाद से हिंदी है आपका, वो भी जनरली हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, करंट अफेयर्स होंगे, तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इसमें, लगभग आपको 10 से 12 सब्जेक्ट मिल जाएंगे जो कि इसमें इन्वॉल्व है। बताने से पहले यह बता दूं कि जो टोटल मार्क है एग्जाम का वो है 100 मार्क का, मतलब कि ये 100 नंबर का एग्जाम है आपका, और इसके लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं, मतलब कि 120 मिनट, 2 घंटे मतलब 120 मिनट आपको इस एग्जाम के लिए मिलेंगे। और ये जो एग्जाम है ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आएंगे, मतलब कि उसमें टिक करने के लिए रहेगा। अगर आप सही आंसर देते हो तो हर प्रश्न पे आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आप गलत आंसर देते हो तो हर प्रश्न पे आपका 0.25 मार्क काट लिया जाएगा, मतलब 1/4 मार्क जो है आपका कट जाएगा एक गलत आंसर पे, एक नेगेटिव आंसर पे। तो सिंपल है, जो भी सब्जेक्ट है वो आपके 8th स्टैंडर्ड के ही है, मतलब कि 8वीं कक्षा तक के ही है, और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि प्रिपरेशन आपकी अगर उस लेवल तक की हुई है, मतलब कि 8 तक का बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है, कक्षा 8 की बेसिक नॉलेज है, और आप करंट अफेयर्स अटेंड करते हो, करंट अफेयर्स से जुड़े हुए जो भी सामायिक घटनाएं हैं या समाचार पत्रिकाएं हैं उसको आप रेगुलर अगर पढ़ रहे हो, तो आप सिंपली इस एग्जाम को बीट कर सकते हो, पास कर सकते हो, इसमें घबराने की बात नहीं है। तो जो भी उम्मीदवार है पेट एग्जाम के लिए
वो इसकी प्रिपरेशन करते रहें, जैसा कि सिलेबस आपको बताया गया कि इसमें जो भी सिलेबस है, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जनरल साइंस है, जनरल मैथ है, जनरल एलिजिबिलिटी के लिए जो है आपका कॉम्प्रिहेंशन है, फिर उसके बाद रीजनिंग है, लॉजिक है, करंट अफेयर्स है, हिंदी के पैसेज आपको मिलेंगे, हिंदी के पैसेज मिलेंगे जो दो पंक्त, जिसमें गद्यांश मिलेगा आपको, तो दो गद्यांश आपको दिया जाएगा, प्रत्येक गद्यांश पे आपको 10 नंबर दिया जाएगा, तो हिंदी के गद्यांश मिलेंगे, इंग्लिश के जो गद्यांश है वो मिलेंगे, और ग्राफ से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। ग्राफ्स का मतलब कि आपको ग्राफ बना के दिया जाएगा, उसको पढ़ करके आपको आंसर देने होते हैं। वो क्वेश्चन अगर आपने एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेबल से मतलब सारणी बना दी जाएगी, उससे निर्धारित जो प्रश्न है वो भी उसमें पूछे जाएंगे। तो जितना भी सिलेबस है मैंने आपको बताया कि किसके अनुसार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपकी तैयारी पूरी है तो आप एग्जाम में बैठिए, और अगर नहीं भी पूरी है तो अभी से भी अगर चाहे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। 8 तक की जो भी किताबें आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए तो आप अच्छे मार्क इसमें गेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके पासिंग मार्क की। तो सबको पता है कि जब 100 मार्क का है तो इसका कट ऑफ भी बन सकता है, लेकिन मिनिमम जो मार्क है वो आपका मिनिमम जो मार्क है 35% ही मार्क जो इसमें है तय किया गया, मतलब कि 35% मार्क आने अनिवार्य है। अगर 35% मार्क आपके आ जाते हैं 100 में, मतलब कि 35 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो आप पास आउट हो जाते हो, आपकी जो पेट की एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगी, आप वैलिड हो जाओगे यूपीएससी के थ्रू। जो भी एग्जाम या जो भी वैकेंसी आ रही है उसको भरने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो सबसे जरूरी चीज मैंने बताया कि पेट का एग्जाम जो है 20 अगस्त को आपका जो पेट का एग्जाम है वो होगा, 2 पालियों में होगा, 2 शिफ्ट में होगा, और सारी चीजें मैंने बता दी। जो डिप्लोमा फार्मेसी कर रहे हैं या बैचलर फार्मेसी या फार्मासिस्ट हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और जो वैकेंसी का वेट कर रहे थे, तो उनके लिए भी एक अनाउंसमेंट ये है कि जो वैकेंसी है अक्टूबर लास्ट तक किसी ना किसी तरह से वो आ जाएगा, अक्टूबर लास्ट तक, जैसा कि जो भी न्यूज आ रही है, न्यूज अपडेट आ रही है, तो उसके अनुसार अक्टूबर तक ये वैकेंसी किसी ना किसी तरह से आ जाएगी। सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये वैकेंसी आने वाली है। तो जो भी आपकी इसके संबंधी जो भी रिक्वायरमेंट है, अभी तक आपने पूरी नहीं की है या आप इंटर्नशिप अभी कंप्लीट नहीं की हो, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो आप उसको बना सकते हो। और दूसरी चीज, कई सारे कमेंट ये भी आए हैं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अलग स्टेट के हैं और वो चाहते हैं कि यूपी में जो फार्मासिस्टों की वैकेंसी आ रही है उसमें हम अप्लाई कर सके, तो उनके लिए भी मैं बता दूं कि अगर आप यूपी में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर यूपी में अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने स्टेट से एनओसी बनाना पड़ेगा। एनओसी जहां से आपने बैचलर किया अपना फार्मेसी का या डिप्लोमा किया फार्मेसी का, वहां से आप एनओसी लाइए, उसके बाद से यूपी में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, यहाँ का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वरीयता इसी स्टेट के जो कैंडिडेट है उनको मिलेगी आपको, जैसा कि पहले पता है, जैसी पहली वैकेंसियों में हो रही है कि जो भी स्टेट के कैंडिडेट हैं, जिस कैंडिडेट जहां से वैकेंसी निकल रही है वहां के उम्मीदवारों को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, तो उसी के अनुसार इसमें भी उसी तरह का जो प्रोसेस है। तो आशा करता हूं कि जो भी कंफ्यूजन थी पेट को लेकर के और यूपीएसएससी के थ्रू जो वैकेंसी आ रही उसको लेकर के और जो फार्मासिस्टों की जो वैकेंसी आ रही उसको लेकर के जो कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो चुकी होगी। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख दीजिए, क्योंकि अगर आपको डाउट्स हैं, अगर उसको क्लियर नहीं करेंगे और इधर उधर आप लोगों की बातें सुनेंगे तो आप कंफ्यूज होकर के रह जाओगे और आपकी जो डाउट है क्लियर नहीं होने वाली है। तो मैं यहां पर इसीलिए हूं कि आपकी डाउट्स को क्लियर कर सकूं, और जो भी दिमाग में आपके बातें हैं वो आप हमसे शेयर कीजिए, मैं उसका समाधान जरूर लेकर के आऊंगा। जो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं और जो नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है या आपको लगता है कि नहीं ये जो जानकारी है सभी तक पहुंचना चाहिए, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।